सुबह से फास्ट रखा है उनको, अपने कैलेंडर का दूर दूर तक नहीं पता है भाई, देख रहे हो होती है दिमाग थोड़ा सा लड़कियाँ होती है। कब से लगा रहे तुम बैठ कर के मेहंदी, तुम्हें 2 घंटे हो गए ना लगाते लगाते। अभी मुझे 30 मिनट, बड़ा 30 मिनट हो गए। 30 मिनट में तुम्हें तेल लगा पाई है, दिखाना किसे कितनी सुंदर लगाई है मैंने, पैसे बचा दिए मैंने, अभी पीछे लग रही है। हां अच्छा लग रही है। ऐसे तो देखो मैंने आपका नाम भी लिखा है। कहां लिखा तुम्हें मेरा नाम? नाम नहीं लिखा, बस अल्फाबेट लिखा। तुम तो पूरी लैला मजनू हो रही हो। ऐसे थोड़ी लंबी फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल राघव रेडियंट ब्लॉग्स। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं लगा रही थी कल रात को मेहंदी, तो मेरी मेहंदी फाइनली लग चुकी है और काफ़ी सुंदर कलर भी आया है। और देखो मैंने बहुत हल्की हल्की लगाई है क्योंकि बहुत ज़्यादा भरा भरा मुझे पसंद भी नहीं आता, इसलिए फिर मैंने अपने हिसाब से बहुत थोड़ा थोड़ा लगाया। और मेहंदी के अलावा भी मेरी सारी तैयारियाँ हो चुकी है क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं यार आज के दिन, छोटे छोटे, और वो सब कामों को कंप्लीट करने में मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कि आज व्लॉग की शुरुआत भी नहीं हो पाई है। और आपको मैं दिखा देती हूँ, आज देखो व्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है 4:30 बजे, क्योंकि मैंने जो है पहले पूरे घर की सफाई करी, किचन की सफाई करी, फिर अंबर को रेडी किया, फिर खाना बनाया, बहुत सारे काम थे तो वो सब काम मेरे डन हो चुके हैं। मार्केट भी गई थी, मार्केट से कुछ सामान भी लेकर आई, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और देखो ये है वो प्यारी सी थाली, मार्केट में मिल रही थी तो मुझे बहुत सुंदर लगी तो मैंने ये ले ली। वैसे हमारे में ना हर बार अलग अलग नहीं लेते हैं, हमारे शादी के टाइम पर ही एक बार ये चीज़ आती है जिसको करवा बोलते हैं, तो ये ही हर साल यूज़ करना होता है, बट ये थाली मुझे सुंदर लग रही थी तो मैंने ले ली। और देखो यहाँ पर मैं लगा रही थी नेल पेंट, और ये देखो अंबर ने क्या करा, सारे नेल पेंट लेके इधर उधर फेंक दिए, देखो। और देखो मैंने सारी चीज़ें तो ले ली, और जो सबसे मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं लाना भूल गई, वो है कैलेंडर। पूजा के कैलेंडर के बिना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वो मैं भूल ही गई। पता नहीं क्या होता है मेरे साथ ना, अक्सर ऐसे होता है मैं घर से सोच के जाती हूँ ये लेना, और कुछ ना कुछ हर बार मेरे से मिस हो जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ फिलहाल मार्केट कैलेंडर लेने के लिए। अरे तुम नहीं तो पार्लर? नहीं क्यों? क्योंकि टाइम कितना हो रहा है, 4:45 हो गया, कब जाओगी? मैं काम में बिजी था तो मुझे टाइम नहीं मिला। तो यार जल्दी काम करने चला ना मैं, अब हो गया लेकिन अब बस जाना है। मिला अंबू बेटा, रेडी हो गया ना, सब चीज लिया है, कैलेंडर लेके नहीं आए? क्यों? यादेंगा तो एक काम करो ना, अभी तुम जाओगे ना पार्लर, फिर जाके ले आना कैलेंडर। और मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, फिलहाल पहले तो मैं रेडी होने वाली थी घर पर ही, बट फिर मेरा मूड चेंज हुआ तो अभी मैं रेडी होने के लिए जा रही हूँ पार्लर, तो वहीं से कैलेंडर भी ले लूंगी और वहीं से पार्लर भी चले जाऊंगी। उसके बाद अब मैं डायरेक्ट आपको रेडी होने के बाद ही मिलूंगी। मैं अभी अभी आया हूँ घर, मैं गया था बाहर किसी काम से और मैं घर आके मुझे पता चला, ये तो मुझे बोल रही थी कि मेरे सारे काम रेडी हो गए हैं, बट आपको तो पता भाई लड़कों का क्या ही सीन होता है, इन लड़कों का ना कभी कुछ नहीं हो सकता भाई, मैं सच बता रहा हूँ। अभी भी देखो प्रेस चल रही है और ये मुझे बोल रही थी भाई मैं रेडी हूँ, देख रहे हो? सुनो पहले मेरी बात, अब इनकी बात भी सुनो। हाँ। एक तो काम के लिए लेट हो गई है, फिर इनकी बात भी सुनो। हाँ सुनाओ। ये पहले से प्रेस थी। हाँ। बट मैंने रखी है तो फिर रखी अपने आप ही वो हो गई, तो मैंने सोचा एक बार। कुछ नहीं भाई, ये बहाना, सिर्फ बहाना। और ये सुबह से बोल रही ना काम कर रही थी, कुछ नहीं सिर्फ टाइम पास, अभी किचन में जाके देखना सब खाना बना। वो तो नॉर्मल है भाई, वो डेली बनती है रोटी सब्जी, आते में बनाती है पूरी सब्जी, क्या बनाया इस पे उसके अंदर बताओ? वो सब्जी है, पूरी है, खीर है, टाइम तो लगता है ना। वाह जी वाह, देखो तो अभी चलते हैं, फिलहाल इनको मैं अभी छोड़ के आता हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो भाई वैसे भी भूल गई है, जैसे उन्होंने बताया भाई कैलेंडर लेके नहीं आई, बताओ सुबह से फास्ट रखा है उनको, अपने कैलेंडर का दूर दूर तक नहीं पता भाई, देख रहे हो होती है दिमाग थोड़ा सा लड़कियाँ होती हैं सच में होती हैं, समझो सच में होती हैं। तो अभी मैं फिलहाल इनको छोड़ के आता हूँ पार्लर, ठीक है, ये हमारे जाके रेडी वेडी होंगी। और वो याद से लेना, पता लगे यहाँ से फिर दोबारा फिर बोलो मैं दोबारा से भूल गई, ठीक है? तो अभी मैं इनको फिलहाल वहाँ पे जाके छोड़ के आता हूँ, ठीक है? और यार बाल तो मेरे बड़े सही हो रहे हैं, तुम बोल रही हो कि मैं स्ट्रेट करा लूँ? क्या बोला तुमने? और स्ट्रेट बोल रहा हूँ, स्ट्रेट करा लूँ। देखो भाई मुझे अभी प्रूफ दिखा रही है, मैंने खाना बनाया, तो खाना बनाया बना थोड़ी कर रहा हूँ मैं, टाइम लगता है खाना बनाने में। हाँ तो ठीक है ना, मान लिया लगता है टाइम, देख रहे हो, ठीक है भाई मान लिया, क्या हो गया, ठीक है। तो अभी मैं इनको जो है ना छोड़ करके आता हूँ मैं। अरे यार मेरी बाइक की चाबी कहाँ गई, चाबी नहीं मिल रही है, तो भाई मैं जब भाई उनको लेके आता हूँ,
उनका फोन आ गया, फिलहाल मैं वही जा रहा हूँ। चाबी नहीं मिली, पहले चाबी पता नहीं कहाँ हो गई यार। ये नहीं मेरी, मिलेगी मेरी चाबी भाई। तो भाई फाइनली ये तो आ चुके अपने पार्लर से सच करके, और सच बता रहा हूँ मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो जा रहे में नहीं आती लड़के गाना गाने के लिए, जो बोलती रहती है साचे दरबार की जय, बिल्कुल ऐसी लग रही है सच बता रहा हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको, और उसमें लगी ऐसी रही हो तुम, ऐसा कुछ नहीं, अभी दिखाता हूँ आपको, देखो ये देखो देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो। हाँ वैसे ठीक लग रही हो, ओके ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अब तो मैं काम करो फटाफट नीचे जाओ, और नीचे जा करके पूजा करके आओ फटाफट, ठीक है, और इसको साथ में ले जाओ मुर्गो, ठीक है, बाय बाय कर दो, जाओ आप भी पूजा करिए आओ, जाओ जाओ मम्मी का सामान गिराना नीचे, ठीक है ले लो, ठीक 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 ठीक। ले आए मुर्गो माला नीचे, हैं ये लगता है कभी कभी मैं बहुत ही भुलक्कड़ हूँ। क्यों भुलक्कड़ क्या हो गया आप क्या भूल के आए तुम? जो देने वाला सामान था वो आधा दे दिया आधा दिया नहीं, बाद में देखे अभी तुम क्या क्या कहीं। अच्छा वो खिलौने, हाँ खिलौने बोलते हैं ना उसका, पता नहीं क्या खिलौने तो बोलते हैं उनको, जो मीठे वाले जो होते हैं। तुम घूम के आ गए नीचे, हाय अम्मू रोएगी वो और क्या करेगी, जाओ चले जाओ, मैंने तुम्हारा सारा सामान गिरा दिया नीचे, देखो अम्बू ये क्या किया बेटा तुमने, सारा सामान गिरा दिया, देखो हे भगवान इतना संभाल संभाल के रखो, और देखो उसने क्या कर दिया, वही 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 वही। बम कितने फूट रहे हैं देख रहे हो, अभी से फूटने लगे बम, स्मेल भी वैसी आ रही है पता है। अम्बो तुम कहाँ जा रहे हो बेटा पानी में, पता नहीं किसको से फोड़ रहे हैं, भगवान जाने गीली ना हो जाए, नहीं होगी गीली, कर लो फटाफट, डर तो इतना लग रहा है, बम की आवाज आ रही है ना एकदम से, देखो आई ना बस कर भाई, इतना सारा खाना ले कौन बैठता है खाने में क्या क्या बनाया तुमने, ये पनीर खीर पूरी चावल रसगुल्ले, हाँ की तो है वैसे तुमने मेहनत। तो भाई हमारी पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है, और भाई यहाँ पे खाना बिल्कुल रेडी है अपना, ठीक है, तो फटाफट से भाई खाना वाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद मुझे फिर एडिटिंग करने के लिए बैठना है, ठीक है, तो मैं व्लॉग को अपने को यहाँ पे ही कर रहा हूँ, एंड मिलेंगे आपको कल के नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।